जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव जो है वो आरंभ हो चुके हैं, उसी के तहत युवा मोर्चा के जिम्मे जो कार्यकारिणी काम लगे हैं उसमें से ये जो कॉलेजों शिक्षण संस्थानों वगैरह में जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस पैम्पलेट के द्वारा। ये देखे, ये जो हमारा संकल्प पत्र है इसमें मोदी जी ने जितने भी कार्य युवाओं के लिए, आप बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए जो किए हैं सभी का इसमें एक विवरण किया है। और हम यही सभी को बता रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं। जैसे आप बात करें महिलाओं के लिए तो उज्ज्वला जो योजना है उसके तहत हमने इतनी महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए हैं। युवाओं की बात करें तो मुद्रा योजना है, स्टार्टअप योजना है, डिजिटल इंडिया है जिससे वो अपना पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। और साथ ही साथ खेलों की अगर हम बात करें तो जगह जगह खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। आप अगर शिमला की बात करेंगे तो आप देखेंगे स्मार्ट सिटी में कितने काम हुए, टनलें बनी है, लिफ्ट बनी है। और बुज़ुर्गों को जो है बुज़ुर्गों के लिए आयुष्मान, मतलब आम आदमी गरीब आदमी जो है उनके लिए आयुष्मान जो एक योजना है मेडिकल की भारत सरकार द्वारा, उसके तहत भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो इसी के बारे में हम जगह जगह पर जाके युवाओं को बता रहे हैं। और जो भी लोग हमारे को मिल रहा है हम उनको मोदी जी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मोदी जी के पक्ष में वोट डालें। और इसी प्रोग्राम के चलते हमने पूरे शिमला में ये पैम्पलेट बांटने का काम चल रहा है। अभी हमने यहाँ पे इवनिंग कॉलेज में ये बांटे हैं, कल हमने बस स्टैंड में बांटे थे, शाम को हमने संजौली में बांटे थे और कल हम समरील में जहाँ पे विश्वविद्यालय है वहाँ पे जाएंगे, खलीनी जाएंगे और मतलब जितनी भी जगह पूरा जो हमारा जिला शिमला है हम हर जगह पे जाके युवा मोर्चा ये जो हमारे संकल्प पत्र है इसको युवाओं में और सभी लोगों को बांटेगा और मोदी जी के पक्ष में वोट करने का सभी से आग्रह करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।